प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमने इस पाठ का सारांश भी किया है, पाठ का पठन अभ्यास किया है, व्याख्या की है। आज हम चलेंगे शब्दार्थ की तरफ। तो शब्दार्थ और मुहावरे, इस पाठ में मुहावरे भी हैं और एक शब्दार्थ है और एक मुहावरा है। तो आज हम इनको लिखेंगे और लिख करके याद करेंगे। इसे आपको अपने नोटबुक में लिखना है। तो शुरू करते हैं अपना जो पाठ है, पाठ सका है दुई शब्दार्थ। शब्दार्थ लिखेंगे पहले। पहला जो शब्दार्थ है उसका वो है अबोध। पहला शब्द है अबोध। अबोध इसे किसी चीज का बोध या ज्ञान ना, बोध का अर्थ होता है ज्ञान। अबोध का हम ना समझ भी लिख सकते, ना समझ, ना समझ। दूसरा है हमारा मटर गस्ती। दूसरा है मटर गस्ती। इसका अर्थ होता है मस्त। अब जब पाठ के अनुसार भी मैं इसका आपको मतलब बता चलूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे पाठ में अबोध का अर्थ दिया गया है कि अबोध लुई खेलते खेलते अपने पिता के कार्यशाला में चला गया। अबोध मतलब 3 वर्ष की आयु में व्यक्ति अबोध होता है। तो लुई खेलते खेलते ना समझी में वो अपने पिता के कार्यशाला में चला गया और पिता के औजार जो थे उनसे खेलने लगा। तो अबोध मतलब जिसे ज्ञान ना, क्योंकि बच्चों को ज्ञान नहीं होता, छोटे बच्चे खासकर, तो हमें पता है, इसलिए लुई को अबोध कहा गया। 3 वर्ष का बच्चा को ये पता नहीं होता कि किस औजार से चोट लग जाएगी, वो घायल हो सकता है। मटर गस्ती बिना, जैसे छोटे बच्चे घूमने का जो काम करते हैं, जैसे कि इस पाठ में भी बताया गया है, वह मटर गस्ती कर रहा था, मतलब घूमना, एक जगह से दूसरे जगह, एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाना, जा करके घूमना। बच्चे बहुत जिज्ञासु होते हैं, नई जगह जाना चाहते हैं, तो बचपन में वो मटर गस्ती घर में ही किया करते हैं, एक कमरे से दूसरे कमरे। तो वो मटर गस्ती करते ही वह करते करते वह अपने पिता के कार्यशाला में पहुंच गया था। दूसरा है व्यक्त। तीसरा है हमारा व्यस्त। किसी काम में लगा हुआ, किसी काम में लगा हुआ। तो व्यस्त का मतलब, तो जैसे कि पाठ में कहा गया है, लुई दिन भर उस काले में, लुई जो ब्रेल में पुस्तकें लिखने में व्यस्त रहते थे, लगे हुए, पूरी तरह से डूब जाना किसी काम को करने। तो जब उन्होंने लिपि बना दी तो उन्होंने महसूस किया कि मैंने लिपि तो बना ली है, लेकिन जो पुस्तकें हैं, जो संसार की अच्छी किताबें हैं, वे ब्रेल में नहीं है, ब्रेल लिपि में नहीं, तो दृष्टिबाधित बेचारे कैसे पढ़ पाएंगे।
तो वे दिन रात अधिक से अधिक किताबों को ब्रेल में लिखने के लिए व्यस्त रहते थे। वो दिन रात लगे रहते थे कि ताकि लोग ब्रेल में भी संसार की अच्छी किताबें पढ़ सकें। हमारा चौथा है विशेषज्ञ। विशेषज्ञ विशेषज्ञ का अर्थ होता है किसी विषय का अच्छा जानकार, किसी विषय का, किसी विषय का अच्छा जानकार, अच्छा जानकार। किसी विषय का अच्छा जानकार उसे विशेषज्ञ कहा। पाठ के अनुसार हम कहेंगे नेत्र विशेषज्ञ, जो आई स्पेशलिस्ट आम भाषा में हम लोग बोलते हैं। तो उन्होंने, उनके पिता जो थे, लुई को पेरिस ले गए। पेरिस में नेत्र विशेषज्ञ थे। नेत्र विशेषज्ञ का अर्थ है वे आँखों के अच्छे जानकार थे। उन्होंने ही लुई के पिता को बताया कि अब लुई कभी नहीं देख सकेगा क्योंकि उसकी आँख की रोशनी चली गई। तो विशेषज्ञ हो गया। अगला है हमारा पांचवा आश्रित। आश्रित आश्रित का अर्थ होता है निर्भर। आश्रित का होता है निर्भर। आश्रित का निर्भर, जैसे कि बच्चे अपने माता पिता पर आश्रित रहते हैं हर चीज़ के लिए, चाहे वो घर के लिए, सुरक्षा के लिए, तो आश्रित रहे। और लुई के पाठ के अनुसार हम इसका अर्थ बताते हैं। लुई के माता पिता नहीं चाहते थे कि लुई, जब उसकी आँख की रोशनी चली गई थी, वह किसी पर आश्रित रहे। वे चाहते थे कि वे अपने सभी काम स्वयं कर लें, न कि उसे हमेशा किसी पर आश्रित रहें, निर्भर रहें। तो इसलिए उन्होंने उसे काम सिखाए, घर का काम सिखाया, यहाँ तक कि चमड़ा रंगना भी सिखाया। वो अपने माँ की भी मदद करता था घर के कामों में। तो अब उसके बाद वह पूरे गांव का चक्कर छड़ी की मदद से ही लगाया करता था। तो आश्रित का अर्थ होता है निर्भर। तो पाठ के अनुसार लुई के माता पिता नहीं चाहते थे कि लुई किसी भी दूसरे पर आश्रित रहे या निर्भर रहे, हम कह सकते हैं। प्रोत्साहित छठा है हमारा। प्रोत्साहित साहित उत्साह या जोश दिला। उत्साह या जोश दिला। प्रोत्साहित का अर्थ होता है उत्साह या जोश दिलाना। तो प्रोत्साहित किया जाता था, जैसे कि जब लुई अंध विद्यालय में गए तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए बुनाई और जूते बनाने में, चप्पलें बनाने में और बुनाई में उनको
पुरस्कार मिले, पुरस्कार प्रोत्साहित करने के लिए मिले, ताकि जो बच्चे हैं वो अच्छा काम आगे भी करते रहें। तो प्रोत्साहित करना उत्साह या जोश दिलाने के लिए। दूसरा आप चलते, छह हमने कर लिए, सातवां है, मिटा के लिखूंगा, सातवां जो है हमारा प्रोत्साहित के बाद है सामान्य, सामान्य अर्थ है आम। तो यहाँ सामान्य सबसे पहला जो लुई का दाखिला सामान्य स्कूल में करवाया गया था, जो कुपरे गांव में ही था। कुपरे गांव में एक ही स्कूल था और उसमें बाकी बच्चे सामान्य थे, मतलब वो दृष्टि बाधित नहीं थे, वे देख सकते थे। तो सामान्य मतलब आम, तो सामान्य का अर्थ होता है आम या साधारण भी हम कह सकते हैं। तो अगला है दक्ष, दक्ष का अर्थ है कुशल। दक्ष का अर्थ है कुशल, किसी चीज में दक्ष हो। जैसे कि संगीत वाद्य में हमने देखा, जैसे ही वह पेरिस के उसका दाखिला अंध विद्यालय में कराया गया, वो कुछ ही समय बाद लुई इतना निपुण था या कुशल था या दक्ष था कि उसने बहुत सी चीज़ें सीख ली आसानी से, जैसे संगीत में और तरह तरह के वाद्य यंत्र बजाने उसने सीख लिए थे, सिलाई का काम, बुनाई का काम, चप्पलें बनाना, ये सब कुछ ही समय में दक्ष हो गया, मतलब कुशल हो गया। दक्ष का अर्थ होता है कुशल, एक्सपर्ट आप इंग्लिश में होते हैं दक्ष। नौवां है हमारा विधि का तरीका, विधि विधि का है तरीका। जैसे जो हम कहेंगे ब्रेल जो है एक सरल विधि था, इसमें उभरे हुए जो बिंदु होते हैं, जो डॉट्स होते हैं, उभरे हुए होते हैं, उस विधि से अक्षरों का नमूना बनाया था लुई ब्रेल। तो विधि होता है तरीका, मोटे कागज में बिंदुओं की सहायता से उन्होंने अक्षर बनाए थे और यह विधि ब्रेल विधि कहाई कहलाई थी। वाद्य यंत्र, इंग्लिश में हम कहते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र का कहेंगे बजाने वाले यंत्र या गिटार। बजाने वाले यंत्र, जैसे कि तबला हो गया, गिटार हो गया, हमें लिखना है गिटार, पियानो, गिटार के बाद में पियानो,
फिर है सितार, तो वाद्य यंत्र म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बोला सकता है, तबला भी इसका हो सकता है, गिटार हो सकता है, पियानो हो सकता है, सितार हो सकता है, ढोल हो सकता है, सारे वाद्य यंत्र। और पाठ के अनुसार वो संगीत में उसने वाद्य यंत्रों को भी बजाना सीखा था लुई ब्रेल ने, और उनको सबसे अधिक आनंद पियानो बजाने में आता था। ये भी बताया वो सभी तरह के वाद्य यंत्र तो बजा ही लेते थे, लेकिन उन्हें पियानो बजाने में बहुत आनंद आता था। अगला है हमारा लिपि, अगला शब्द है लिपि। इंग्लिश में लिपि को स्क्रिप्ट कहा जाता है, किसी भाषा के लिखने का तरीका, हम कहेंगे लिखित संकेत, जो स्वर का लिखित रूप होता है, तो हम इसे लिखने की पद्धति या तरीका, लिखने की पद्धति और ध में हलन है, फिर ध है, फिर त पे छोटी की मात्रा है, पद्धति। तो हर भाषा का, जैसे कि ये जो हम क्या कह रहे हैं, स्वरों को ही हम लिखित रूप में लिख रहे हैं, आपने देखा है सारा लुई ब्रेल, और ये हिंदी की लिपि है देवनागरी, इस तरह स्वरों को लिखने का ढंग लिखित रूप जो है वह लिपि कहलाता है। हिंदी के देवनागरी का लिपि का नाम है, अरे हिंदी के लिपि का जो नाम है वो देवनागरी। तो हर भाषा की अपनी लिपि होती है, लिपि मौखिक ध्वनियों का लिखित रूप होता है, हम ये आम भाषा में भी कह सकते हैं लिपि है जो मौखिक ध्वनियों का लिखित रूप होता है। तो ब्रेल लिपि क्यों कही, क्योंकि वो नेत्र जो बाधित लोगों के लिए एक खास ढंग से, जिसमें कि 6 बिंदु जो होती हैं उनको उभार कर बनाया जाता था, और जो दृष्टि बाधित है इसे छू करके पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं, छू करके पढ़ते हैं, तो वह ब्रेल लिपि इसीलिए कहेगी, ब्रेल द्वारा बनाई गई थी या उसका आविष्कार ब्रेल ने किया था, इसलिए ब्रेल लिपि। अगला है हमारा 12वां जो शब्द है सज्जन, सज्जन स आधा ज, पूरा ज न, सज्जन, सज्जन का अर्थ है अच्छा आदमी। हिंदी में सज्जन अच्छे आदमी को कहा जाता है, अच्छा आदमी या व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति। इंग्लिश में जेंटलमैन कहा जाता है सज्जन को। आगे चलते हैं संशोधित, 13वां जो शब्द है वो है संशोधित, 13वां जो शब्द है हमारा वो है संशोधित। सुधरा हुआ, सुधरा हुआ, संशोधित, सुधरा हुआ। तो उन्होंने अपना जो लिपि जो बनाई थी उसमें संशोधन किया, सुधार करना ही चाहिए, और उन्होंने उसमें सुधार भी किया, और आज हम जो देख रहे हैं लुई का ही जो ब्रेल लिपि का संशोधित रूप है। तो किसी भी चीज़ में
संशोधन करने से वो पहले से अच्छी ही बनेगी। 14 स्पर्श आधा सर प और श पे र स्पर्श, स्पर्श होता है छू कर, छू कर। तो हमें बताने की जरूरत नहीं है कि जो ब्रेल लिपि है उसे जो दृष्टि बाधित होते हैं वे स्पर्श करके पढ़ते हैं, वे छू करके पढ़ते जाते हैं। जैसे एक वाक्य है तो जो बिंदुओं की, छह बिंदुओं की जो शैली है उसको जल्दी जल्दी छूते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, और वे अच्छा, उनका जो स्पर्श की जो शक्ति है बहुत अच्छी होती है और बड़ी तेज़ी से अभ्यास से और तेज़ी से उसको पढ़ा या लिखा जा सकता है। तो स्पर्श का मतलब है छू कर। 15 शब्द है हमारा पर्याय, पर्याय पर्यायवाची शब्द आपने सुन ही रखा है, समानार्थी, समानार्थी, समान अर्थ पर्याय। जैसे हमने कहा कि ब्रेल और जो है दृष्टिहीन और ब्रेल एक दूसरे के पर्याय, इसका मतलब है वो समान अर्थी। अगर हम ब्रेल की बात करेंगे तो दृष्टि बाधित लोगों की बात करेंगे, अगर हम दृष्टि बाधित लोगों की बात करेंगे तो उनके लिए ब्रेल की बात करेंगे, तो एक दूसरे के लिए पर्याय बन चुके। तो जैसे क्रिकेट और सचिन, हम कहा कहते थे जब भी हम क्रिकेट की बात करेंगे तो सचिन का नाम आएगा, या जब सचिन की बात करेंगे तो क्रिकेट का नाम आएगा, तो ये एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। उसी तरह ठीक जब हम दृष्टिबाधित लोगों की बात करेंगे तो उनके पढ़ने का जो तरीका है, जो लिपि है, ब्रेल की हम बात करेंगे, या फिर हम जब ब्रेल की बात करेंगे तो दृष्टिबाधित लोगों का भी हमें याद आ जाएगा, तो एक दूसरे के लिए पर्याय हो जाएंगे, मतलब समान अर्थी, समान अर्थ। तो लिखने का एक तरीका होता है कि ब्रेल और दृष्टि बाधित एक दूसरे के पर्याय बन चुके, क्योंकि इसके बिना हम दोनों की कल्पना नहीं कर सकते। प्रसार है हमारा अंतिम शब्द, 16 प्रसार, प्रसार का अर्थ होता है फैलना, प्रसार का क्या होता है फैलना। तो आपने इसे नोट कर लिया होगा, एक बार मैं पढ़ देता हूँ उसके बाद हम मुहावरे पे आएंगे। इस पाठ में एक ही मुहावरा आया है और हम पहले मुहावरे का अर्थ लिखेंगे और फिर मुहावरे का वाक्य में भी प्रयोग आपको सिखाया जाएगा, क्योंकि परीक्षा में ऐसे तरह के प्रश्न आते हैं कि दिए गए मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करो। तो सबसे पहले मैं एक बार शब्दार्थ आपके लिए दोबारा पढ़ देता हूँ, आप इसे ध्यान से सुनिएगा, आपको इसे नोटबुक में लिखना तो है ही है और याद भी करना, तो ये आपका गृह कार्य भी रहेगा आज का। आप शब्दार्थ को लिखेंगे नोटबुक पे और याद भी करेंगे, और मुहावरा भी आप लिखेंगे, याद करेंगे और उसका वाक्य में, अपने शब्दों में वाक्य में प्रयोग करिएगा जो मैं लिखवाऊंगा उसके अलावा। तो अबोध का होता है अर्थ नासमझ, मटर गश्ती का होता है मस्ती, व्यस्त का होता है किसी काम में लगा हुआ, विशेषज्ञ किसी विषय का अच्छा जानकार, आश्रित का अर्थ है निर्भर, प्रोत्साहित उत्साह या जोश दिलाना, सामान्य का आम, दक्ष का कुशल, विधि का तरीका, वाद्य यंत्र बजाने वाले यंत्र जैसे गिटार, पियानो, सितार आदि। लिपि, लिपि का अर्थ होता है लिखने की पद्धति। उसके बाद सज्जन का अर्थ होता है अच्छा व्यक्ति, संशोधित का है सुधरा हुआ, स्पर्श का अर्थ है छूकर, पर्याय का समान अर्थी, प्रसार का
फैलना। अब चलते हैं मुहावरे पे, शब्दार्थ हमारे पूरे हो गए। इस पाठ में मुहावरा ही है, एक मुहावरा है तो एक वचन मुहावरा होगा, एक से अधिक होते हैं तो हम मुहावरे कहते हैं, तो हम मुहावरा ही लिखेंगे क्योंकि एक ही मुहावरा है, एक वचन है मुहावरा। हमारा मुहावरा है खुशी का ठिकाना न रहना, खुशी का ठिकाना न रहना। इसका अर्थ होता है, पहले हम अर्थ लिख लें, बहुत खुश होना, बहुत खुश होना, बहुत खुश होना। तो हम ये याद करना जरूरी है क्योंकि बिना अगर हमें अर्थ नहीं पता होगा तो हम वाक्य में प्रयोग कर भी नहीं सकते। खुशी का ठिकाना न रहना, बहुत खुश हो। और आपको एक बार मुहावरे की भी परिभाषा बता दें कि मुहावरा क्या होता है, शाब्दिक अर्थ से हटकर अलग अर्थ होता है। खुशी का ठिकाना न रहना, शाब्दिक अर्थ ये अलग है, इसका अर्थ है बहुत खुश। अब हम मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करेंगे। मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करेंगे, वाक्य में प्रयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो मुहावरा हमारा यही रहेगा, खुशी का ठिकाना न रहेगा। इस तरह आपको परीक्षा में दे दिया जाएगा कि मुहावरा दे रहे दिया रहेगा, खुशी का ठिकाना न रहना, तो कुछ बच्चे मुहावरे के अर्थ का वाक्य प्रयोग कर देते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी हमें दिया जाएगा मुहावरे का वाक्य में प्रयोग हो तो मुहावरे का हमें वाक्य में प्रयोग करना है। मुहावरा है खुशी का ठिकाना न रहना। पुत्र के स्वर्ण पर ओलंपिक चली रहे थे, आपको याद है, पुत्र के स्वर्ण पदक जीतने पर, गोल्ड मेडल को स्वर्ण पदक कहा जाता है, आपको पता ही है, पुत्र के स्वर्ण पदक जीतने पर माँ के खुशी का ठिकाना न रहा, मतलब माँ बहुत खुश हो गई थी, माँ की खुशी का ठिकाना न रहा। क्या अर्थ है कि माँ बहुत अधिक खुश हो गई थी जब पुत्र स्वर्ण पदक जीतकर लाया, या जब पुत्र ने स्वर्ण पदक जीता तो माँ के खुशी का ठिकाना न रहा। तो अभी भी बच्चे क्या करते हैं, पूरा वाक्य रट लेते हैं और इसी शब्दों को आप लिख सकते हैं। आप इसको अलग अलग अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, अपने शब्दों में कभी भी इसका प्रयोग करना चाहिए। जब आपको पता चल गया खुशी का ठिकाना न रहना मुहावरा है तो आप कह सकते हैं कि परीक्षा में प्रथम आने पर राहुल के माता पिता के खुशी का ठिकाना न रहा। इस तरह अपने शब्दों में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, कल हम इसी पाठ के मौखिक प्रश्नों को करेंगे। मौखिक प्रश्न चर्चा के द्वारा किए जाते हैं आपको पता है, और हम इसे चर्चा के द्वारा ही करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।